लोकतंत्र बचा कहाँ है? अगर लोकतंत्र बचा होता तो लोग की सुनी जाती, लोग यहाँ पे सड़कों पे धक्के नहीं खा रहे होते। लोकतंत्र वो होता है कि जनता की, जनता के द्वारा चुनी हुई जनता के लिए सरकार बची कहाँ है? वो खालिस्तानी तो नेशनल मीडिया है, बिल्कुल खालिस्तानी है, आतंकवादी एक नेशनल मीडिया है। जो आप जैसे भाई है ना, जिन बहनों ने बचा रखे आंदोलन, सिर्फ आपकी वजह से बच रहा है। ये तो नेशनल मीडिया ने तो इतना जकोर के रख दिया है सिस्टम, सारा देश एक पास गुलाम बनाने का बिल्कुल राजी है, सतम नहीं रहे हो, वो एक खंगर हो गया, खंगर। सेवा करने के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत नहीं होती, मन की और जमीर की जरूरत होती है, और वो हमारा जिंदा है। राजधानी में दो बार दंगे कैसे हुए हजूर? दो साल के अंदर ये क्या चमत्कार है भाई? थारी फैक्ट्री दो भी नहीं बंद होगी, लेकिन ये जो देश की पेट की फैक्ट्री जो बंद होने जा रही है ना, ये सदा के लिए बंद हो जाएगी। ऐसी क्या, जब आज वहाँ कम से कम 5,000 पुलिस पर्सनल है आज वहाँ पे, ठीक है? तो कल जब ये हादसा हुआ 26 जनवरी के बाद से, तब तो सुरक्षा हर जगह है ना। अब तो सरकार खुले में कह रही थी हमने बहुत बहुत व्यवस्था कर रखी है। जब इतनी व्यवस्था कर रखी है तो कल ये उपद्रव कैसे हुआ? एक परिवार के 22 जी 27 तरीक इधर आए हुए हैं, 2 महीने हो गए। हमारे साथ बच्चे छोटे छोटे हैं, हमारे साथ हमारी 5 सिस्टर आई हुई हैं। प्लैंड प्रोपेगेंडा था, ऐसा कैसे हो सकता है कि सरकार इतनी कमजोर पड़ जाए कि कोई भी बंदा लाल किले पे जाके झंडा फहरा दे? उनकी उनकी कोई साजिश रही होगी, तभी तो वो बंदा वहाँ तक पहुँच पाया ना, वरना आज तक कोई क्यों नहीं पहुँचा? और क्यों सरकार नाकामयाब रही? तो कितने जना का लंगर बना है, कितने लोगों का लंगर बनाओ, जितने आ जाओ उतने का, कितनी अनगिनत है। आप करते हैं। इस वक्त हम बहादुरगढ़ में हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो किसान अपना डेरा जमाए उनको दूध मिल रहा है। हाँ जी पाजी, कहाँ से लेके आ रहे हो? पेवा से। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है? सेवा गुरुद्वारे की तरफ से फ्री दे रहा जा रहा है। अच्छा, वहाँ का जो गुरुद्वारा है उसने भिजवाया, कितना दूध है ये? 7,000 लीटर। तो ये सारा यहीं पर वितरित किया जाएगा? एक दिन इधर, एक ये मैम हर रोज एक महीना हो गया डेली ट्रक आ रहा है गुरुद्वारे की तरफ से। अच्छा, एक महीना हो गया कंटिन्यू चलते हुए? कंटिन्यू चल रहा है, तो इतना ही दूध आता है? क्या आता है? 2 ट्रक आते हैं, एक सिंधु बॉर्डर पे, एक यहाँ पे। अच्छा, दोनों बॉर्डर पे ये देते हैं दूध। चलिए, हमसे बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू। बस जी, धन्यवाद। इस वक्त हम टिकरी बॉर्डर पर मौजूद हैं और मेरे दाईं तरफ, दाईं नहीं, मेरे बाईं तरफ आप देख सकते हैं कि पूरे ट्रैक्टर ट्रालियों का हुजूम है, और मेरे राइट साइड में भी दाईं तरफ ट्रैक्टर ट्रोलियां आ रही हैं। साथ सामने एक किसान है, वो शायद वॉलंटियर हैं किसानों के, जो पूरा जो रास्ता जाम हो रहा है बार बार उसको सही करवा रहे हैं। गाड़ियों को बता रहे हैं कि आपने कैसे करके थोड़ा सा साइड दे के जो है निकालनी है। अभी हम कोशिश करेंगे कि इनसे हमारी बात हो सके कि क्या ये हर रोज़ यहाँ पर जो है गाड़ियों को पूरा व्हीकल्स को। नमस्कार जी। नमस्कार, कहाँ से हैं आप? मैं हरियाणा से। मैं, नाम क्या है? मैं राजेंद्र सिंह जी। राजेंद्र जी, क्या आप हर रोज़ इसी तरह से ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं यहाँ पे, इनको बताते हैं कि आप थोड़ा सा इधर से मुड़कर जाइए या इधर से होके जाइए? मैडम ये बात है, हमारी अलग अलग ड्यूटी लगती है जी, जहाँ पे ज़्यादा जहाँ पे ट्रैफिक वगैरह वहीं पे हम जाते हैं। अब यहाँ पे मेरे को लगा भी यहाँ पे ट्रैफिक वगैरह है, तो यहाँ पे आए 2-3 एम्बुलेंस थी तभी आया जी, मैं वैसे नहीं आया, पहले मेरी पीछे ड्यूटी थी। अरे, जो एम्बुलेंस वगैरह आती है और यहाँ पे रश हो जाता है तो फिर आप कैसे कंट्रोल करते हैं? मैम अपने आप से होता है, जो जिम्मेदार है वो भी साथ देता है, पूरा कंट्रोल करता है, वो हमारी सहायता आप भी करता है, ऐसा नहीं है। जिम्मेदार किसी का भी बुरा नहीं सोचता ही, वो खुद अपनी सपोर्ट के लिए आता है, यहाँ पे सहायता करता है हर एक की। हमने अधिकतर खबरें यही सुनी है कि यहाँ पर जो जाम हो जाता है, एम्बुलेंस है जो फंस जाती हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। आपके सामने अभी तक कोई ऐसे स्थानीय लोग आए जिन्होंने कहा हो कि हमें परेशानी हो रही है आपकी वजह से? नहीं मैडम, ऐसा कोई नहीं है। देखिए, सुनने में और देखने में बहुत फर्क है, आँखों देखा यकीन करना चाहिए मैडम। हमसे बातचीत करें, शुक्रिया। थैंक यू मैम। हौसले बुलंद ने बुलंद है, बिल्कुल ही ठीक है। किस चीज़ की है जी मुसीबत? मुसीबत खड़े हैं हर कदम पे पंजाब की हेल्प के लिए, हरियाणा खड़ा है, तो मुसीबत किस चीज़ की होगी? कोई मुसीबत नहीं है यहाँ। आप कहाँ से हो मैडम? मैं हरियाणा से हिसार से हूँ। आपका नाम क्या है? मैं सुमन हुड्डा मैम। हिसार में आप यहाँ कब से आई हैं? मैडम जिस दिन यहाँ धरना चला था उसी दिन से हम स्पेशल यहीं पे बैठे हैं, हमारा यहाँ पे मेडिकल कैंप लगा हुआ है, मेडिकल फैसिलिटीज देते हैं फ्री। तो आप किसी की तरफ से हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हैं, या खुद का ही ये था कि हम लोग आए इकट्ठे हों और यहाँ पर मेडिकल कैंप लगाएं? सेवा करने के लिए किसी
ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत नहीं होती, मन की और जमीर की जरूरत होती है, और वो हमारा जिंदा है। तो हम किसानों की बेटियां हैं, किसानों की बहुएं हैं, किसानों के परिवार से शामिल हैं। तो हम अपने दम पे, अपने जमीर के दम पे यहाँ पे बैठे, किसी के बुलाए हुए नहीं बैठे। रद्द कराऊं काले, रद्द कराऊं आया हम काफी लैंग्वेज में चेंज कर सकते हैं, तो गोदी मीडिया कुछ भी कर सकती है। फूल बरसे किसानों को, खाना और पानी दिल्ली वालों ने जो सेवा की वो आंखें बंद हो गई थी क्या, तब देखते लाल किले देश की शान कहते ने की, तुहानू लगता की लाल किले की सुरक्षा नहीं कर सके 2-4 हज़ार बंदे तो? लाल किला देखो भैन जी, पहली गल तो यही है, अभी लाल किले च असी कोई भी नहीं गया, ना साने जाना सीगा, ठीक है। मेरी गल सुनो, सरकार ने बंदे सीगे, प्लान प्रोपेगेंडा था, ऐसा कैसे हो सकता है कि सरकार इतनी कमजोर पड़ जाए कि कोई भी बंदा लाल किले पे जाके झंडा फहरा दे? उनकी उनकी कोई साजिश रही होगी तभी तो वो बंदा वहां तक पहुंच पाया ना, वरना आज तक कोई क्यों नहीं पहुंचा? और क्यों सरकार नाकामयाब रही? चाहती तो उसको वहीं पे शूट कर देती। वो कौन सा हमारा बंदा था? हमारे भाई तो गए नहीं, हमारे वहां पर गोली चली, जिसने झंडा चढ़ाया उसको गोली क्यों नहीं मारी? है दूसरे आदमी को, हमारे किसान भाई को गोली लगी, उसको गोली क्यों मारी? अच्छी चीजें दिखाइए, अच्छी चीजें। आज इतना ज्यादा हरियाणा के लोग हमारे साथ जुड़े, इतना ज्यादा आए, क्यों नहीं दिखा रहे? वो सरकार उसको पकड़ नहीं रही। ये सरकार जो मोदी से कहता है मेरा 56 का सीना है, और जेडे देश भक्तों ने आजादी का झंडा लेके दिया, और उस पे 26 जनवरी वाले दिन ये झंडा कोई जाके शरारती सर चढ़ा जाए, और सरकार उसको पकड़ ना पाए तो FIR कर, और जिसके FIR की और नेड़े तेड़े भी नहीं है, किसान जथेबंदियों की जिन्हें अगुवाई कर रहे हैं वो नेड़े तेड़े में, उसके ऊपर FIR कर दी, उसको पुलिस पकड़ने चलेगी, उसको पुलिस नोटिस ने कर दिया। पर जिसने झंडा शरियाम पता दीप सिद्धू है और लखा सदाना है, वो शरियाम घूम रहे, उसको ना तो पकड़ा हमारी सिंगू बॉर्डर से। किसान ने अब तो 2-1.5 महीने पहला कहा कि दीप सिद्धू तो लखा सदाना साडे मतलब बंदे नहीं है, मेरी गल सुनो, वैसे जिस तरह व्यू रचदे है असीं पीसफुली आपदा अंदोलन चलाउणे है, जदों के साडे किसान उन्हां नूं 2 मिनट का भी समा नहीं दिंदे स्टेज ते बोलन दा। कल राष्ट्रपति जी ने कहा कि असी मतलब सरकार ने फैसला कर लिया कि बिल कदे वापस नहीं आउंगे, तुसी किवें सोच सकदे हो कि तुहाडी आवाज उस तक पहुंचेगी? क्योंकि एक परिवार के 22 जी 27 स्त्री इधर आए हुए हैं, 2 महीने हो गए, हमारे साथ बच्चे छोटे छोटे हैं, हमारे साथ हमारी 5 सिस्टर आई हुई है, मान लो पूरे बहु मतलब हमारे घर वाले और मेरी सिस्टर और मेरी पांच जी 22 जी, असी घर बार छोड़ना सौखा नहीं होता, पर हरियाणा वालों सब भाइयों ने जो आसपास के लोग हैं उन्होंने इतना प्यार दिया, हमें कार भूल गया और इधर कोई दिक्कत नहीं आई, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जो गोदी मीडिया है आप बहुत वधिया, जो आपके सारे की समस्या पूछ रहे हैं, आपके माध्यम से हम इस मोदी को पूछना चाहते हैं कि हमें परिवार के परिवार इधर आ रखे हैं, और हमारे 2 महीने पहला किसी ने भी किसी का कोई एक पैसे का भी कोई नुकसान नहीं किया, तो हमें ऐसे थोड़ा हो सकता है? तो पूरी जो सोची समझी चाल थी उसके साया थी, जो हमारे राष्ट्रीय झंडे का अपमान किया वो ये मोदी सरकार ने करवाया, मोदी सरकार को इस्तीफा दे लेना चाहिए था। हमारे किसानों को, हमारे किसानों ने ये जब हमारे देश भक्तों ने खून दे के राष्ट्रीय झंडा लेके आए, कौमी झंडा, इसका कभी भी हम अपमान ना तो किया है तो ना ही करने देंगे। देश के लोकतंत्र बारे की कहोगे? बिल्कुल, देश का लोकतंत्र जेड़ा पहला संविधान बनया सी ये मोदी सरकार उसको तोड़ मरोड़ रही है, उसको तोड़ने मरोड़ने भी नहीं देंगे। लोकतंत्र बचा कहाँ है? लोकतंत्र बचा कहाँ है? अगर लोकतंत्र बचा होता तो लोग की सुनी जाती, लोग यहाँ पे सड़कों में धक्के नहीं खा रहे होते। लोकतंत्र वो होता है कि जनता की, जनता के द्वारा चुनी
जनता के लिए सरकार बची कहाँ है वो? हमको किसी को शौक नहीं है ठंड में बैठने का। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, आप समझ सकते हैं। जितने भी एजिटेशन हुए इन्होंने जबरदस्ती दबाए हैं। और लास्ट ये मेरी सोच अगर मैं बताऊं तो देश को दोबारा गुलाम करने की तैयारी मोदी जी ने कर रखी है। लेकिन अगर ये एजिटेशन नहीं होता तो देश गुलाम कन्फर्म होता। ये भगत सिंह के वंशज हैं, सभी किसान कौम है, गुलाम नहीं होने देगी देश को। हर देश की जिम्मेवारी 85% किसानी है देश में, देश के GDP में हमारा सबसे बड़ा हाथ है। और देश को बर्बाद हम नहीं होने देंगे। एजिटेशन चल रहा है, जब तक ये कानून वापस नहीं हो गए एजिटेशन एजिट चलता है। नेशनल मीडिया के बारे में क्या कहोगे? नेशनल मीडिया जी टोटल बिका हुआ है, नेशनल मीडिया पूरी बिका हुआ है जी। जो आप पर के है ना उनने बचा रखा है, जितना भी आंदोलन बचा रखा है, नेशनल मीडिया इतनी बिका हुआ है, उससे दूर तो है नहीं देश में कोई। सतम के नाम पे कलंक है, वो नेशनल मीडिया कलंक है। उसको तो हम देखते ही नहीं, उसकी TRP अपने आप कम हो जाएगी जी। हम तो ये देखते हैं सोशल मीडिया, जो भी बचा रखा है आप जैसे न्यूज चैनलों ने बचा रखा है, वरना नेशनल मीडिया तो इतनी बिका हुआ है, इससे घटिया तो कुछ भी नहीं हो सकता। हमारे और सिर्फ 100 आदमी आए थे आपके, 100 आदमी आए हैं तैयार करके लाए, RSS के आदमी आए हमारे पर हमला करने के लिए आए, और नेशनल मीडिया पूरे का पूरा उसके साथ था। खालिस्तानी तो हम तो खालिस्तानी तो वो है जिसने झंडा लगने दिया। नेशनल मीडिया है बिल्कुल खालिस्तानी, ये आतंकवादी एक नेशनल मीडिया है। जो आप जैसे भाई है ना जिन बहनों ने बचा रखे आंदोलन, सिर्फ आपकी वजह से बच रहा है। ये तो नेशनल मीडिया ने तो इतना जकोर के रख दिया है सिस्टम, सारा देश एक पास गुलाम बनाने का बिल्कुल राजी है। सतम नहीं रहे हो, वो एक खंगर हो गया, खंगर जो बिल्कुल पैसे की है, बिकाऊ है। आपको भी लग रहा है हमसे आतंकवादी है? किसी ने बोला भी आपके? जब कोई आप भी देख रहे आओ जी, पहले हमारे इधर से चलने से पहले क्यों चल गया अपना बहाम दीप कठ दीप सिद्धू? दीप सिद्धू का क्या मसला था? लखन सदाने का क्या मसला था? वो हमारे साथ कोई ना था, हम तो किसान हैं, किसानों के लिए हैं। किसान मर रहा है, गरीब किसान मर रहा है, गरीब मजदूर मर रहा है, लेकिन कोई मीडिया उछाल नहीं रहा। जहाँ पे हमारे को दो दो महीने हो गए, दीप सिद्धू लखा सदाना 2 महीने तो सिंगू बॉर्डर पे बैठे थे, तुसी पढ़ के अरेस्ट नहीं? हम सरकार क्या करती है, हम क्यों करें उसको अरेस्ट? जो तो स्टेज पे चढ़ते थे तुसी पढ़ के अरेस्ट, हम कैसे कर सकते हैं? एक विश्वासघात होया जी हमारे साथ, ये एक विश्वासघात कह सकते हैं आप, विश्वासघात है बिल्कुल। पहले जब मोदी के साथ बैठा था तो किसने देखा हो? जब मोदी के पास बैठा था दीप सिद्धू, नेशनल मीडिया उसको दिखाई नहीं रही, कवर नहीं कर रही, हमारी बात सुन रही है कोई? सनी देओल का कहना मेरा उसने कोई सनी देओल ने अभी कह रहा है सारे मीडिया में प्रचार हो रहा है, पहले तो उसका पैसा सारा सनी देओल ने दिया ना, सनी देओल ने खर्चा ऊपर तो उसने किया ना। सरदार जी, लेकिन एक मैं जानना चाहूंगी आपसे बात, कि जो भी कुछ हुआ उसके बाद से किसान आंदोलन पे थोड़ा दाग तो देखे लगा है। कैसे लगा है दाग? क्यों लगा है, किस लिए लगा है? कोई दाग नहीं लगा, वो उन्होंने किया, उनको सरकार पकड़े, हमारा सरकार को दाग लगना है। किसान की दाग लगन गए, सरकार से कोई दाग नहीं है, थां थां रोक के कुट कुट डलैन वाला साढ़े बुढ़िया कुटी जाते हैं, वो उन्होंने कोई दाग नहीं है। आप प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कौन ने? लोगों ने बनाए बंदे ने, वो सानू इतने भड़काई जाते हैं, आ रुड़ी जाने असी, साडा कोई हल ही नहीं है, असी कणक अनाज दी जाने, वो सानू लठिया दी जाने, रोड़े दी जाने। वीडियो के माध्यम से आपने देखा होगा पुलिस वाला राष्ट्रीय ध्वज को लठ मार के और घिसरा के लेके जा रहा है उसको, उस टाइम उसकी उसका ही राष्ट्रीय ध्वज की इंसल्ट नहीं, वो राष्ट्रीय ध्वज की इंसल्ट है। हमारे जो आंदोलन के अग्रणी नेता है उन्होंने इस बात के लिए बार 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 माफी मांग ली, नेशनल मीडिया ये तो नहीं दिखा रहा, एक बार ये हो गया ये दिखा रहा है, इसमें हमारा कसूर है? इतनी देश की जनता यहाँ पे आई हुई है, किसानी इतनी आई हुई है, नेशनल मीडिया को लेकर बार बार तमाम तरह की बातें लोग कह रहे हैं। हम जहाँ भी गए, हम कुंडली बॉर्डर गए, उसके अलावा हम जहाँ जहाँ टोल नाके बंद किए गए वहाँ पर भी गए, वहाँ पे भी लोगों में नेशनल मीडिया के कुछ चैनल्स को लेकर बहुत भारी रोष है। उनका कहना है कि वो सिर्फ एक तरफा न्यूज़ दिखा रहे हैं, किसानों के बारे में कुछ नहीं दिखा रहे हैं। हाँ जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं?
ये आपको मालूम ही है, हमारे को कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार का मीडिया है जो मोदी गोदी का मीडिया है। हम मीडिया जो मीडिया हमारी बात सुनने वाला होता है सिर्फ पंजाब का सोशल मीडिया है, जो हरियाणा का सोशल मीडिया वो हमारी आवाज़ उठा रहा है। जब आवाज़ पहुँचाना है तो नेट बंद कर दिया, जो हम मोबाइल पर फ़ोन पर नेट पर बात कर दी जाती है, जो कोई वीडियो जब कोई भेजना चाहती है वो पहुँच नहीं रही है, क्योंकि सरकार ने इसलिए नेट बंद कर दिया। सरकार ने जो गलत काम किया है, जो दीप सिद्धू का अंदर बाढ़ है, 2 घंटे अंदर रहा, कैसे गया, कैसे 100-150 गाड़ी गई, कैसे ट्रैक्टर गया, सरकार को मालूम नहीं। आज भी 26 जनवरी के बाद भी कोई भी चिड़ी लाल किले के अंदर नहीं फड़क सकती, वो कैसे आती, इतने आदमी लेके गया जाए 1.5-2 घंटे में, कैसे गया, कैसे भागा, सरकार ने भगाया, सरकार की चाल थी। अब सरकार उसको दबाने के लिए, उसको छुपाने के लिए, कि जो लोग जो हक सच की लड़ाई लड़ रहे हैं वो लोगों तक आवाज ना पहुँचा सके, इसलिए वो गलत प्रोपेगेंडा करेगा, वो करता रहेगा। हम जीतेंगे, जीतने के लिए आए हैं। आप देखो हमारा रोज आंदोलन की गिनती जड़ी है बढ़ रही है, जितनी कहोगे उतनी कितनी बढ़ रही है। हमारा पंजाब से सारा, हरियाणा से सारा लोग वापस आ रहे हैं, किसान कोई नहीं जाएगा जितना जितने काले बिल वापस नहीं होंगे। आप कह रहे थे कि विश्वासघात हुआ, किस तरह के विश्वासघात की बात हुआ जी? दीप सिंधु ने और जो भी जितने भी ये बीजेपी के जितने भी वर्कर हैं, कल आपने भी देखा होगा, आपने भी सुना होगा कि जो कुछ भी हुआ सिंगू बॉर्डर पे, यहाँ भी आए हैं 60 दिन से 70 दिन से यहाँ पे बैठे हैं, तब किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ, अब किसके रास्ते बंद है जी? हम अपने लिए बैठे हैं, हम एक आदमी ऐसा नहीं कर सकता कि वो इतना कुछ इतना बोल दे कि हमारे को खालिस्तानी घोषित कर दे। जो भी नेशनल मीडिया है उसने हमें इतना बोतरेशन पैदा की है हमारे दिमाग के अंदर, कई लोग डिप्रेशन में है हमारे, सिर्फ इसी वजह से कि हमको एक आतंकवादी घोषित किया जा रहा है, लेकिन हम आतंकवादी नहीं है। हम आज भी हम उन भाइयों बहनों के लिए यहाँ पे बैठे हैं, हम सब अपना सम्मान के लिए, अपने काले कानून जो अपने आने वाले जीवन में खतरा पैदा कर देंगे, हमारी नेशनल बर्बाद कर देंगे, हम उनको बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बैठे। नेशनल मीडिया ने हमें इतना डिप्रेशन में दे रखा है, इतने हद से ज्यादा, इससे कुछ भी नहीं है जी, बोलने के लायक भी नहीं है वो। रवीश कुमार बार बार 26 तारीख को हमारा आंदोलन थोड़ा कमजोर हुआ, राकेश टिकैत जी ने अपने आंखों से आंसू गिराए, पूरा हरियाणा पंजाब राजस्थान यूपी पूरा खड़ा हो गया, दोबारा खड़ा हो गया। हमारा आंदोलन पहले से भी मजबूत है, कल हरियाणा की बता दूं मैं, एक गाँव भी ऐसा नहीं था जहाँ पे गाँव की पंचायत नहीं हुई और इस एजिटेशन में हिस्सा लेने के लिए गाँव से 20-20, 30-30, 50-50 ट्रैक्टर नहीं आए। अकेला नहीं छोड़ेंगे यहाँ पे, बहुत पूरा हरियाणा हर घर में ये अलग जग, पहले से भी ज्यादा मजबूत, हर घर में अलग जग चुकी है। आंदोलन सक्सेस करना है तो करना है। बार बार लोग कह रहे हैं कि राकेश टिकैत के आंसुओं ने वो कमाल किया कि आंदोलन अब पहले से भी ज्यादा मजबूत हुआ है। हरियाणा से भी ये खबरें बार बार आ रही थी कि हर जगह पंचायत हुई, काफ़ी बड़ी तादाद में जो है ट्रैक्टर ट्रालियां बार बार टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रही है। साथ ही किसानों का ये भी कहना है कि नेशनल मीडिया के कुछ चैनल्स की वजह से यहां पर भारतीय किसान जो है, इस देश के किसान डिप्रेशन का शिकार भी हुए। अभी हम दलाल खाप 84 के कैंप में हैं, इनसे बात करेंगे। हाँ जी, हरियाणी में बात करोगे कि हिंदी में बात करूं? क्यों कर लूं? एक मड़ा सा उक्का हटाइयो, एक बार उक्का उठवा दूं और उसके बाद अच्छा बात करूंगी मैं इनते। बोल बेटे। हाँ जी, कट आए हो? हम दलाल खाप 84 के सभी गांवों के इकट्ठे होकर आते हैं यहाँ पर। कौन कौन से गांव के हो? एक मिनट, एक बार शांति। दलाल खाप 84 में 171 गांव से किस किस का नाम लूँ मैं? अच्छा, 171 गांव के सारे लोग आड़े इकट्ठे हो रहे हैं। हाँ, आज हमारी मांड उठी, बार हमारे 2500 ट्रैक्टर आए से। आज 2500 ट्रैक्टर पूछे हैं, आज पूछे हो आप? मांड उठी बार हमारे। अच्छा, मैंने यूँ बताओ, ये जो 26 जनवरी ने होया था, जो पूरा दिल्ली में बवाल होया, उसके पीछे ही बड़े किसाक माहौल है। मैं बताऊँ आपको, 26 जनवरी होया वो सारा गवर्नमेंट की चाल थी, उनने करवाया और उसने देखा। आपने न्यू क्यों लग गया सरकार की चाल थी? जो किसान नेता है कि उनका फर्ज न्यू को नहीं बने था भाई, तारा कैंप में कौन नाल लाग रहा है, कौन किसाना ने बरगलान लाग रहा है, उसकी भी पूरी टो रखे है। उनने पुलिस वाले ये नहीं बे रहा था ऊपर के रास्ते क्यों खदा होगा जी, पर तिरले रास्ते क्यों ना खदा, बैरक ला दिया वहाँ पर उनने, अपने आप करे उनने। जब हमारा देश, हमारा गृह मंत्री एक लाल किले की सुरक्षा नहीं कर पाया कि वो देश की क्या सुरक्षा करेंगे, आप ये बताइए।
आप कहाँ से हैं? हम मांडोठी गांव से, दलाल खास। अच्छा, आज ही पहुँचे? नहीं, हम तो कल से हैं जी। अच्छा, जो आज ये बता देना कि 2,500 ट्रैक्टर आए हैं। आज हमारे 2,500, कल भी हमारे 2,500 ट्रैक्टर यहाँ आए थे। राकेश टिकैत के रोने वाली वीडियो के वायरल होने के बाद, उनके संदेश के बाद आप लोग आए हैं, या फिर आप लोगों को ये था कि भैया ये कहीं टूट ना जाए, कोई डर था कि टूट ना जाए किसान आंदोलन? इसलिए नहीं, किसान तो टूट ही नहीं सकता, किसान एकता तो जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। और रही राकेश टिकैत जी की बात, उन्होंने हमारे आंदोलन को एक फिर से, पहले से जबरदस्त आंदोलन होने जा रहा है, किसान आंदोलन जो सदियों तक याद रखा जाएगा। बहन जी, इसमें जो आप बोले, आप नहीं बता, आप भी इनके साथ गई हो? मैं समड़ो कला पड़ता जी गाँव, समड़ो बारा पड़ता, हमारा मलिक खाप से। अच्छा, हाँ जी, इन डिस्ट्रिक्ट जुलाना। तो मलिक खाप भी पूरी आ रही है? पूरी आ रही है जी, तीन पिछले 27 तारीख से यहाँ बैठे हैं, दो महीने तीसरा महीना चला हुआ है जी। बहन जी, आप मैंने न्यू बताओ किस तरह समस्या के क्या लाग रही है बैठे बच्चे? ये समस्या तो जी मोदी सरकार जिस दिन से बनाई है, समस्या लाग रही है देश ने। पहले तो कोरोना का नाम से देश ने पीछे धकेल दिया इस उन्होंने, ये कानून लाने के लिए। वो लोग बोल देंगे कोरोना का नहीं, कोई हरियाणा भारत के लिए कोई महामारी नहीं थी ना कुछ। एक और बात बताऊं, मैंने बिजवाड़े के लोग हैं, हाँ जी, वे आके कदे कोई शिकायत कर रहे हैं भाई, उन्होंने किसी तरह की कोई ये लोकल लोग इधर दलाल खाप के ज्यादा गांव पड़ते हैं, तो मलिक खाप पड़ते हैं उधर सोनीपत मर्जी इंद में पड़ते हैं। मैं आड़े की कहूं हूं, ये टिकरी बॉर्डर का दलाल खाप के काम पोके थी, हां जी। तो इनमें ये कोई बात नहीं है, देख भीड़ होती है तो ब्याह शादी करते हैं, जब गली में टेंट लगाते हैं पड़ोसियों ने एक दिन की तो खाली होती है, वही सिस्टम है जी। कोई सी बात नहीं है, लोग दुखी नहीं है, लोग हमारे से यहाँ ठीक बात करते हैं, ठीक साझा दुख करते हैं, किसान भाई हैं। आप बताओ आप करता है? मैं चिड़ी रोहतक भारत हमने हरियाणा का रोहतक के हो, गुआंडी हो गए हमारे, तो ये चीज यहाँ के लोगों की मैं बताऊँ आपने बात, कोई परेशान नहीं है। रही बात जो मजदूर तबके की, उनको खाना खिलाते हैं, चाय के लिए दूध देते हैं, और बचा हुआ जो हमारा खाना वो भी देते हैं। रही बात ये जो फैक्ट्री वालों की बात कर रहे हैं, उनको हम संदेश देना चाहते हैं, भाई थारी फैक्ट्री दो महीने बंद होगी, लेकिन ये जो देश की पेट की फैक्ट्री जो बंद होने जा रही है ना, ये सदा के लिए बंद हो जाएगी। फिर जो उड़े गंगा घाट पमरणिया के नाम लेखना, उनकी फैक्ट्री चलेगी, देश जाएगा हमारे, और कोई परेशानी मैडम बता दियो, स्वाद आ रहा है और निवेरांगे। रही बात दलाल खाप की, आज जो ट्रैक्टरों की आपने बात पूछी, हमारे पास के गांव ने निर्णय लिया था भाई हम चलेंगे 26 जनवरी को 10 बजे, लोग आ गए 22 तारीख ने, तो हमने तो उसे दिन अंदाज़ा हो गया था भाई 26 ने चलनी है, 30 का नंबर होगा। हमारे ट्रैक्टर तेल गला गला खड़ा था, हमारे लड्डू बने बनाए दे रहे थे, हमने अपनी 26 जनवरी आज मना दी, नंबर आज आया। एक बात बताओ, पथराव की घटना हुई सिंगू बॉर्डर पे, उसके पछाड़े की शाख माहौल है भी, आप न्यू गाँव आप तो इतने दिन तक हो मैडम जी, जहाँ पथराव की घटना हुई जब भी शांत माहौल था, अब भी शांत माहौल है और आगे भी शांत माहौल रहेगा, क्योंकि ये लोग देश का पेट भरने वाले लोग हैं, झगड़ा नाम की तो चीज नहीं जानते। आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ, ऊटकला गाँव से, और छत्तीसगढ़ से किसान हूँ, और जब से किसान आंदोलन चल रहा है, जब इसे किसान भाइयों के बीच में हूँ। आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो सरकार के आदमी थे? बार बार किसान कह रहे हैं कि जो सिंगू बॉर्डर पे जिन्होंने पथराव किया वो सरकार के आदमी। मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और पूटखला गांव से हूँ, जो सिंगू बॉर्डर जो घटना हुई उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी का काउंसलर पूट खुर्द से है अमन कुमार और अमन डबास, उसने सारे जो है ना ये, और नील दमन खत्री, उन लोगों ने सारे ने मिलकर और ये साजिश रची गई है और बीजेपी कार्यकर्ताओं को जोड़ के और ये आंदोलन को खराब करने के लिए, किसान को बदनाम करने के लिए ये घटना जो घटी है सिंगू बॉर्डर पे, वो इन लोगों ने करी है ना। तो गाजीपुर बॉर्डर भी गए थे लोकल आदमी, लोकल लोग, भाई खाली करो भाई हमें परेशानी हो रही है, और 26 जनवरी की घटना के बाद से ज्यादा दिक्कत हो रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखो ऐसा है, गाजीपुर बॉर्डर पे जो परसों रात को जो घटना घटी राकेश टिकैत जी के साथ में, आपने न्यूज के माध्यम से सुना होगा, उस टाइम पर वहाँ के विधायक, वहाँ के कार्यकर्ता उनको गिरफ्तार करवाने के लिए आए थे, और उन्हीं लोगों की ये साजिश थी कि भी इनको गिरफ्तार करवा के किसी तरह से राकेश टिकैत को मरवाया जाए, लेकिन राकेश टिकैत के साथ में वहाँ किसान हमारे भाई बैठे हुए थे और किसान भाई सारे राकेश टिकैत के समर्थन में थे, और वहाँ पर अड़ गए कि हम गिरफ्तारी नहीं देंगे, और जिस तरह से न्यूज के माध्यम से पूरे देश ने पता लगा, जिस तरह से राकेश टिकैत जी की आंखों के अंदर से जब आंसू गिर रहे थे ना, वो उस टाइम पर पूरा देश देख रहा था, पूरा देश का किसान रो रहा था,
उसी टाइम पे रात के टाइम में हमारे सारे किसान भाइयों के पास मैसेज चला गया और हम सारे किसान भाई गाजीपुर बॉर्डर पे चले गए थे और महेंद्र सिंह टकेत के साथ में, जब तक ये तीन काले कानून बिल वापस मोदी सरकार नहीं लेती इसी तरह से लगे रहेंगे। आप कहाँ से हैं? हम जी रोहतक से जी। आप लोग कब आए यहाँ? हम जी कल आए जी। तो आपके साथ कितनी ट्रैक्टर ट्रालियाँ हैं? हमारे साथ जी 15 ट्रैक्टर ट्रैली आए जी कल जी। अभी यहाँ पे कितनी भीड़ है, क्योंकि हमने सुना है कि महम से भी 2,500 ट्रैक्टर चले हैं और उन्होंने भी बताया कि उनके वहाँ मनठोटी से भी 2,500 ट्रैक्टर ट्रालियाँ जो है वो यहाँ पे पहुँचे। लगातार खबरें यही आ रही हैं कि लगातार आ रही है, हिसार जिला ले लो, जींद ले लो, रोहतक जिला ले लो, तो कितने लोग? हर गाँव में पंचायत हो रही जी, हर गाँव से आज से कल बहुत ज्यादा आएंगे, परसों और ज्यादा आएंगे जी, हर रोज ये झंडा चढ़ा था उन नगाद में ना था। आप कहाँ से हैं? हम रुड़की से, रोहतक से। रोहतक से। अब ये इतने लोग यहाँ पे आ रहे हैं ट्रैक्टर ट्रालियां लेके, तो उनके रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, तो सारा मैनेज कैसे हो रहा है? बढ़िया कर रखे है, सारी तो सारी मैनेज कर रहे हैं, सोने की भी, खाने की भी, बढ़िया काम हो रहा है हमारे। क्या सुहा रहे थे उस टाइम पे किसी को? राकेश सिंह डिकैत को जिस टाइम आंसू आए नहीं उस टाइम किसी को रुका नहीं गया जी, उसी टाइम सब कुछ वहाँ से चल दिया जी, उसी टाइम चल दिया। हमें बहुत दुख हुआ जी, हमें भी बहुत तकलीफ हुई जी, कैसे नेता अगर इसको कुछ हो गया तो हमें बहुत दिक्कत होगी जी। बार बार किसानों का एक ही बात का कहना है इनसे बात होने के बाद कि जो सिंघू बॉर्डर पर हुआ वो वहाँ के स्थानीय लोगों ने नहीं किया, दूसरी बात ये कि राकेश टिकैत के आंसुओं ने बहुत बड़ा काम किया। राकेश टिकैत की आंखों में जब लोगों ने आंसू देखे तो भर भर के ट्रैक्टर ट्रालियां किसानों की, वो लोग जो है वो टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर की तरफ चल पड़े। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। कहाँ से हैं आप? अस्सी साल के। कब से बैठे हो यहाँ? कब से धरने में शामिल हो गए? 2 महीने। जीत के जाओगे? जीत के जाओगे। लेकिन सरदार जी मैं एक बात जानना चाहूंगी, दीप सिद्धू ने जो किया 26 जनवरी को लाल किले पे, उसके बाद आपको नहीं लगता कि बदनामी तो देखिए हुई है, चाहे उसमें वहाँ पे किसान शामिल थे नहीं थे, क्या कुछ था नहीं था, बदनामी क्या नहीं? पैसे नहीं बैठा होना तो कहा जवानी होना तो जरा 8 करोड़ का जहाज लिया हुआ ओना तो नहीं था हूँ ये कम सरकार वो कहते सरकार बदल देंगे जो तू साइन करते तो। अब लोगों के कैसे कमेंट आ रहे हैं आप लोगों के पास? लोग तो ये कह रहे हैं कि वो किसानों ने इतना बड़ा बवाल दिल्ली में किया, वो दिल्ली में क्यों आए, आपके किसान नेता भी हैं, क्या उन्हें मैनेजमेंट अपनी अच्छी नहीं रखनी चाहिए थी? दीप सिद्धू जब बार बार आ रहा था तो उसको पकड़ा क्यों नहीं? तो भाई गाड़ की था दीप सिद्धू। आप कहाँ से हैं? हम भी सेम पेंट से हैं। अच्छा, आपको कितना टाइम हो गया यहाँ बैठे? 2 महीने तो ऊपर हो गए सीजन। आप मुझे बताइए कि जब दीप सिद्धू के बारे में बार बार बातें उठ रही थी कि वो खराब कर सकते हैं माहौल, तो उसको पकड़ा क्यों नहीं? देखो जी, देखो मैडम जी ना, पता जी ये है साझा मोर्चा, ठीक नहीं कर तो ये साझा मोर्चा का है, उदों कोई कमेंट नहीं आया सीधा ऐसे माहौल तो खड़ा नहीं किया उन्हें, पर जो खड़ा किया उन्हें अभी बाइकआउट कर देना इस टाइम हमने जो किया उन्हें जोड़ा कुछ उन्हें किया गा वो बहुत गलत किया, इतने टिकरी स्टेट से चढ़ नहीं दिता कदम भी। 2 महीने में एक बार भी उन्होंने यहाँ पे नहीं चढ़ने कोई स्टेज से नहीं चढ़ने दिता, कोई बयानबाजी नहीं होती इतने टिकरी स्टेज से, तो इस टाइम अभी पंजाब बच्चा बाइकआउट करता पंजाब से एंट्री नहीं होती। अभी हाँ जी, आप कहाँ से? लुधियाना से, जिगरा मस्जिद। आपको कितना टाइम हो गया? 2 महीने हो गए। 2 महीने से यहाँ बैठे हैं। जो कुछ अब माहौल बन रहा है 26 जनवरी के बाद, आपको क्या लगता है कि आंदोलन अब मजबूती पकड़ेगा या कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में डर है कि कहीं आंदोलन टूट ना जाए? साढ़े जेड़े गदार लोग से साइड पर हो गए, जो सानू खराब कर रहे हैं ना वो साइड पर हो गए 26 जनवरी को, हुण निरोल रहेगा साडा आंदोलन, हुण साडा आंदोलन बढ़ चढ़ के चलेगा, बढ़ तो बढ़ होगा। हाँ जी, आप कहाँ से? मैं जी छोटे बच्चे जिला सिरसा, तहसील रानिया, गाँव जोतर से हूँ, कृष्ण प्रधान हूँ मैं, किसान जुनीन का। आप मेरे को ये बताइए, जो 26 जनवरी को हुआ
कुछ बताया जा रहा है कि सिद्धू के ट्रैक दीप सिद्धू के ट्रैक्टर के पीछे पीछे किसान भी गलती से, किसान कह रहे हैं हम गलती से रास्ता भटक के चले गए, गलती हुई है किसान, क्या क्या आप क्या मान, हमारी गलती नहीं हुई है, सरकार की गलती हुई है जी, हमारे को रास्ता क्यों देना पड़ा, हमारे को दिल्ली ये बंद भी कर दिया इनको, लेकिन आपको जो टाइम दिया गया था अगर उससे पहले आप देखे पुलिस ने किसानों की राजधानी दिल्ली, उन्होंने किसान डंगर है भी उतने मारेगा किसी को, पुलिस ने आपको वक्त दिया था परेड करने के लिए, पुलिस ने आपको एक तयशुदा टाइम दिया था, तो उससे पहले आपके यहाँ से लोग ट्रैक्टर्स लेके दिल्ली क्यों रवाना, ये पुलिस के तो पुलिस तो खोले हमारे तो हमें खोले नहीं थे, मेरे थे दीप सिंधु वाले खोले थे, किसान किसान वहाँ नहीं गया, दीप सिंधु अपने आदमी ले रहा था वो लेके गया है और गेट खुला था उसका, मोदी के आदमी गए पीछे पीछे हमारे ट्रैक्टर भी लग लिए, जहाँ वहाँ जहाँ जाने का रास्ता था वहाँ तो उन्होंने बैरिकेड लगा दिया जी, दूसरी साइड खोल दिया जी। 26 जनवरी की घटना को लेकर बार बार जिससे भी हम सवाल कर रहे हैं वो एक ही बात कहते हैं कि हमारे किसान उसमें शामिल नहीं थे, अगर कुछ थे तो वो रास्ता भटक कर वहाँ पहुँचे थे, ये छोटे 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 बच्चे भी यहाँ आंदोलन में शामिल है, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप सब लोग, सेवन्थ, कब से हो आप लोग यहाँ पे, ये तो जी रोजाना ऐसे इन बच्चों में वो जुनून है जो गांव से सुबह चार बजे खाट से उठ लेते हैं और अपना रोजाना दूध इकट्ठा करके साइकिल पर झंडा पर आ गए, हर गांव हर घर घर से कम से कम 4 क्विंटल दूध इकट्ठा करते हैं, तो कौन से गांव के सारे मांडोठी गांव के हैं जी, दलाल खाप के, हर रोज आते हैं, हर रोजाना जी रोजाना सुबह 4 बजे शाम 4 बजे फिर खड़े हो जाते हैं, और इनकी पढ़ाई लिखाई, इनकी पढ़ाई लिखाई तो मोदी जाने मोदी ने प्राण माटी कर रखी थी, वैसे तो मोदी एक तरफ तो एक मिनट यार, वैसे तो मोदी कर रहा है ये भारत का भविष्य, और इनकी यह प्राण माटी करा की सड़क बस हो रही है, सड़क पर वैसे कह रहे क्लास तो बालका की ऑनलाइन भी चल रहे हैं, ऑनलाइन का क्या पता होगा, ऑनलाइन का क्या पता होगा जी, नेट बंद करते हैं, हाँ जी आप कहाँ से, हम बिचड़ी से हाँ दलाल खाप से, अच्छा आप कह रहे हैं कि नेट बंद कर दिया है तो भाई ऑनलाइन क्लासेस कैसे, हाँ जी यही कह रहे हैं हम, नेट बंद कर दिया, पढ़ाई ऑनलाइन चल रही थी, कोरोना से स्कूल बंद थे, अब नेट बंद है तो ये क्लासेस बंद करवा दी इनके बच्चों की जी, वो इन बच्चों में जुनून है जो सुबह 4:45 छोड़कर 4 बजे खड़े हो लेते हैं, ये देखिए छोटे 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 बच्चे हैं, ये देखिए इनकलाब इनकलाब, आप ये छोटे 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 बच्चों का जुनून आप देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि 4 बजे ये लोग उठ जाते हैं इतनी ठंड में, जब हम जैसे लोग 8 बजे 9 बजे बिस्तर से उठते हैं, ये छोटी सी उम्र के बच्चे सुबह जल्दी उठकर किसानों के लिए, हम अब आगे बढ़ते बढ़ते बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों से बात करनी है, ये बच्चे उठ जाते हैं किसानों के लिए दूध इकट्ठा करते हैं और फिर यहाँ टिकरी बॉर्डर लेकर आते हैं, ये देखिए ये यहाँ पर लंगर चल रहा है, बीबियाँ जो है लंगर बना रही हैं, पूरियाँ तली जा रही हैं, उधर वीर जी जो है वो सब्जियाँ बना रहे हैं, नमस्कार जी कहाँ से हैं आप, रोहतक से, हरियाणवी में बोल लूँ कि हिंदी में बोल लूँ, हरियाणा में बोले बोल लूँ, ठीक है, कितने दिन हो गया अड़ाए, 2 महीने हो गया, तीसरा लाए क्या, और बीच में आप तो रह भी आऊंगी डटो नहीं, बीच माह में भी हर चले भी जाए, अच्छा आप बीच में आते रहो और जाते, हाँ, जाते रहे तो लंगर में ही सेवा ला रखी है, लंगर में हम कर ले है सेवा, ये सारे लाग रहे भाई सेवा हम करेंगे, अच्छा तो कितने जना का लंगर बना है, हाँ घर भी लंगर, कितने लोग का लंगर बनाओ, जितने आ जाऊँ उतने का, कितने अनगिनत, आप करते हैं थोड़ी आवे है, जितने आवे न हरियाणा पंजाब यूपी राजस्थान जैसे शब्द भारत का बना हम तो कितने आओ, हाँ जी आप बताओ, कितने दिन हो गया अड़ाए, हम तो 2 महीने हो गए, तीसरा लग गया, आते रहो आ जाते रहो वहाँ राड़े रहो, और कौन सा काम था हो आप, रोहतक से बड़ी बहु अकबरपुर से, अच्छा ये तो
इस कुंडली बॉर्डर पर हमारे गुआंडी बहुत हैं, मैं खुद रोहतक तय हूँ। हाँ जी, तो लंगर की ही सेवा करो हो कि दूसरी भी कोई सेवा? अपना आग लेकर जाएंगे, लंगर की सेवा करा, ये भाई मारी करो तो हम। एक बात बताओ भैया, जब जब आओ हो तो किमी दो चार दिन डटके भी जाते हो? हाँ, डटका जावा। हाँ, तो आड़े कोई रुकांगे? नहाने धोने की समस्या, लैट्रिन पानी की समस्या? हमने कोई समस्या नहीं। तो आड़े खड़े मतलब आपने बाथरूम खड़े मिल रहे हैं कि जो आड़े के लोकल लोग हैं वे थोड़े सी सहायता करें? हमारा मन करो उड़े हम, अब आपने कोई सुविधा है कोना किसी प्रकार की भी? सारी सुविधा हम न्यू कमे थे ना कि केजरीवाल आड़े जो है वे बड़े बनाए शौचालय आड़े दे रखे हैं जो परे रह रहे। अच्छा, दे रखे हैं? और केजरीवाल सरकार तक एक मिला है सुविधा? सारी सुविधा मिल रही है हमने, और अपना किसान भाई कर रहे हमारी, और सरकार कर रहा है तो मोदी ना करते हमारी, हम अपना घर आ जाओ है। हाँ जी, आप कहाँ से हैं? मैं इसी गांव से हैं। अच्छा, सारे एक ही गांव से? सारे ट्रैक्टर ट्रैली में आए हो? हाँ जी, ट्रैक्टर ट्रैली में आए हैं। अच्छा, तो आप कब से हैं? आप भी आते जाते रहते हैं? हाँ, आते जाते रहते हैं। तो आप भी रहते होंगे? बिल्कुल रहते हैं। बच्चे भी साथ हैं? ये दो बच्चे मेरे ही हैं। अच्छा, ये दो बच्चे। कौन सी क्लास में हो बेटा? सेवेंथ में। और ये? फर्स्ट डे। अच्छा, तो कोई नहीं बचा हुआ, सब यही है। आपका पूरा परिवार यही है? हाँ, यही है। कब से है यहाँ पे पूरा परिवार? दो महीने से। अच्छा, बीच में आ रहे हैं? हाँ, जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो आपके परिवार में कोई ऐसा भी है? आज तो फिर नेट बंद कर रखा है, तो बच्चों का भी घर काम नहीं और मेरा भी काम नहीं, इसलिए अब सारे ही आ गए यहाँ पे। चलो ठीक है, नेट बंद कर ले, ये सरकार बढ़िया है। अच्छा, तो आपके घर से कोई ऐसा भी है बड़ा बुजुर्ग जो यहाँ पर लगातार दो महीने से है? ये मेरी सास है। अच्छा, आप सास बहू हैं? ये देखिए, सास बहू की जोड़ी आराम से खाना बना रही है। अक्सर कहा जाता है कि सास बहू में झगड़ा होता है खाने के लिए, लेकिन ये तो दोनों पूरियां बना रही है मजे से हंसते हुए। ये पोता रहे या पोती रही? पोता पोती भी गैल ला रहे हैं, और जाते दादी इतनी राजी भी हो रही है, पोते पोती पूरी भी खुआऊंगी है और पूरी खावा, मौज हो रही है हमारी तो। कती बताओ, कोई दिक्कत है कौन है? अरे इनका सारा एक ही परिवार, एक ही कुंबे के हो। ये देखिए, एक पूरा चार पीढ़ियां बैठे हैं, चार चार पीढ़ियां यहाँ पे बैठी हुई हैं। पोता है, पोती है, बहू है, सब यहाँ पर है, लंगर की सेवा कर रहे हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं। हाँ जी, कहाँ से हैं आप? हम रोहतक से। ये देखो जी, सारे हमारे गुआंडी भाई आड़े आ रहे हैं। हाँ जी, कितने दिन हो गए? आज ही आए सुबेरे। आज सुबेरे आए हो? पहली बार आए हो? ना, दूसरी बार आए हैं जी। दूसरी बार तो रात में रहोगे? हाँ, रुकेंगे जी। पहले जब आए थे तो रुके थे? नहीं, रुके थे। अच्छा, तो आड़े ईब जड्डे के भी टाइम है, तो लते लाते कंबल का? हाँ, लेकर आए हैं। अच्छा, और कौन आया है आपके साथ? हमारे साथ बहुत ज्यादा है। कितने के लोग आए हो? आठ ट्रॉली आई थी। आठ ट्रॉली आई है? दस लोग रुक रही है, आदमी रुक रहे हमारी। अच्छा, ये गुड़िया भी है? आप? मैं तो पंजाब से हूँ, लुधियाना से। अच्छा, ये देखिए, पंजाब हरियाणा का भाईचारा, साथ में मटर छिली जा रही है यहाँ पर। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं LLB कर रही हूँ। ये देखिए जी, वकील है हमारे बीच में जो मटर छिल रही है। नाम क्या आपका? हरप्रीत कौर ढिल्लों। आपको हरप्रीत क्यों लगता है कि ये जो कानून सरकार ने बनाए ये गलत है? क्योंकि ये किसानों के खिलाफ है। अच्छा, ये बताओ आप कब से हो यहाँ पे? मैं आज सुबह ही आई हूँ। आज सुबह ही आई हूँ। कितने दिन रहने का इरादा है? मैं तो एक दिन के लिए आई हूँ, जस्ट देखने के लिए यहाँ पे माहौल। माहौल देखने आए हो कि कैसा है? तो आपके साथ और भी लोग आए हैं? नहीं नहीं, मैं अकेली आई हूँ। अकेले आए हैं आप? ठीक है, आप कहाँ से हैं? मैं नांगलोई से हूँ। नांगलोई से हैं आप? अच्छा अच्छा, राजधानी पार्क से हैं। ये कब से हैं यहाँ पे? मैं 2 महीने से आ रही हूँ यहाँ पे। दो महीने से लगातार आ रही हैं? तो आप जो 2 महीने से यहाँ पे लगातार आ रही हैं, दिल्ली की हैं आप, तो किसान भाई भी तो हमारे भाई हैं। आपको यहाँ ऐसा कुछ लगा कि कुछ ठीक नहीं है या किसान गलत कर रहे हैं? सारे बढ़िया हैं, सारे भाई हैं हमारे सब। अच्छा, लोग बार बार खबरें ये आ रही हैं कि दिल्ली वासियों को, आम जो लोकल है उनको समस्या हो रही है, आपको ऐसा कुछ लगा? नहीं, मैं तो रोज बस में आती हूँ, रोज जाती हूँ। इनका सबका कहना है कि इन्हें समस्या कोई नहीं है, पंजाब हरियाणा सब जगह से सब लोग आए हुए हैं। कहाँ से है? मैं हिसार हरियाणा से हूँ। बड़ी ही कम उम्र इनकी लग रही है। कब से आए हैं इस आंदोलन? मैं कल ही आया हूँ। मैं पहले आया था, फिर वापस चला गया था, मैं कल दोबारा आया हूँ। राकेश टिकैत जी के साथ जो हुआ उसके बाद मैं दोबारा आया हूँ। आपके साथ और कितने लोग आए हैं? मैं अकेला ही आया हूँ, पर हमारे गांव से भी आ रखे हैं। मैं हिसार रहता हूँ।
मेरा गांव बुरे है। तो क्या करते हैं आप, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं बीए फर्स्ट ईयर दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। आपको क्यों लगता है कि ये कानून जो है ये ठीक नहीं है, क्यों आपको ये लगता है कि सरकार जो कर रही है वो गलत? मैम देखिए, सबसे पहली चीज़ तो राज्यसभा में आपके पास बहुमत ना होने के बावजूद, बिना डिबेट बिना डिस्कशन के आपने तानाशाही से वोटिंग मांगने के बावजूद ओपोजिशन ने वोटिंग की मांग की, फिर भी आपने इन बिल्स को पारित किया, और फिर फार्मर इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन मीडिया फिर भी कहती है कि ये जो हमारी कुछ नेशनल मीडिया बने फिरते हैं जो मोदी जी के चमचे हैं, वो मीडिया कह रही है कि ये किसानों के फ़ायदे के हैं, जब किसान नहीं चाहते ये फ़ायदे के हैं। मैं पहला आपको तीसरा अमेंडमेंट बताता हूँ, इसके अंदर कहा गया है कि कोई भी कितनी भी स्टॉक कर सकता है। तो एक चीज़ बताइए, जिस फार्मर की छत टपकती है, जिसके एक फसल आ जाए घर पे, तो उसको ये दिक्कत हो जाती है कि मेहमान घर पे आ गए तो कहाँ बैठाएं, वो फार्मर कहाँ से स्टॉक करेगा? जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं जिनके पास बड़े बड़े गोदाम हैं वो स्टोर करेंगे, और जब बाज़ार में वस्तु की मांग बढ़ेगी तब वो उसको बाज़ार में उतारेंगे, तो जिससे कि महंगाई बढ़ेगी, महंगाई अपने मनमाने दाम पर। इससे सिर्फ किसानों को नुकसान नहीं है, जो भी किसानों का अन्न सब्जी फल फ्रूट, जो भी लोग इन पे जिंदा है ना, जो भी ये चीज़ें खाते हैं, उन सबका नुकसान है। किसान से 2 रुपये किलो आलू खरीद कर उनको 40 रुपये किलो बेचा जाएगा, ये सब पूरे देश का नुकसान है। आपको क्यों लगता है कि ये चीज़ें सारी, ये कानून जो है ये सही नहीं है? सही सानू अज तो थोड़ी बताई सन कानवे में से ये हमारे जो लीडर हैं उन्होंने सहन किए थे, ये आज की बात नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी को, उनको बोला तुम लागू करो, ठीक है, उन्होंने किए। मनमोहन सिंह को बोला, उन्होंने किए। ये गंदे आर्मी ने लागू कर दिए, ठीक है ना जी। हमको सभी पता है, बहुत आगे से प्लानिंग है, 20 साल पहले की प्लानिंग है जो आज इन्होंने मोदी ने लागू कर दी। दूसरी बात, जब इसकी सरकार बनी थी 7 साल पहले सरकार बनी थी, सबसे पहले कॉर्पोरेटों ने मीडिया को खरीदा था, हमको सभी पता है। ये बोलते हैं ना, आपको बिल के बारे पता नहीं, इसका फ़ायदा है या ये फ़ायदा है, हमको पता है। ये हमसे चीज़ ले लेंगे, पहले तो हमसे पूछेंगे भी आप ये वाली, आपके पास कितना खेत है? मैं बोलूँगा मेरे पास 10 किला का, ठीक है, आप खाने को रखोगे? उसके लिए वो जो दसेंगे, तो जे मैं खाने को रखूँगा तो मुझको देंगे 1000 या 1200 रुपये रेट। अब जे सभी आप हमको बेचोगे तो आप देंगे 2500 रुपये रेट, वो भी कुछ ही टाइम के लिए। उसके बाद वो ही कहेंगे हमको मॉल में जाके लेके आओ। कनाडा अमेरिका में हमारे रिश्तेदार हैं सभी, वहाँ पर किसी ने चक्की लगी देखी है? चक्की है भी, जो किसी ने एक आधी देख भी लेगी होगी, कोई गट्टा लेके पहनने के लिए जाता है? नहीं जाता। वो बोलते हैं मॉल से खरीद के लेके आओ। दुबई की बात बताता हूँ, कोई आदमी अंदर बैठ के जोड़े सिल रहा है, ठीक है, करके कोई आदमी बाहर से सब्जी लेके आ गया और पुलिस को पता चल गया भी सब्जी लेके आया है, उसकी सब्जी को कुचल देते हैं। वो बोलते हैं इधर से सब्जी ना खरीदो, जो मॉल बने हैं मॉलों से खरीदो, इससे हमारा नुकसान नहीं है। अकेला जो आज दुकानदार बैठा है, सारे बाहर की तरह हो जाएंगे, ये छोटा दुकानदार भी बक जाएगा। आप, वो आपकी 40,000 रुपये है, ठीक है, आज आपकी ग्रॉसरी 10,000 रुपये है महीने की, ठीक है, जब कहते हैं आपको हमारे से खरीद लेंगे 10 रुपये या 5 रुपये, ठीक है, वो आपको मिलेगी 150 ने, आपकी ग्रॉसरी 30,000-40,000 की होगी, तो आप क्या खाएंगे सभी लोग? मैं उस दिन जिस दिन बॉर्डर तोड़ा था, मैं अंदर दिल्ली के जाके लोगों से पूछा था, अंकल खड़े थे, मैं अंकल आपको हमारे तरफ से कोई दिक्कत तो नहीं है? वो बोले कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मैं बिजनेसमैन आदमी हूँ, हमारा इन्होंने ठप्पा बिल्कुल बिजनेस ठप कर दिया। नोटबंदी की क्या बात थी, हमको पता था GDP 2% डाउन हो जाएगी, ये साला बेकार आदमी मुँह चो निकल जाता है, सॉरी मीडिया से क्या सानू पता ही GDP, मनमोहन सिंह पता ही GDP डिग पी, इन्हें नोटबंदी करके साडा पट्ठा बहाता, सारे कम फेल करते, असी कुछ कर नहीं सकते, साढ़े पैसे की वैल्यू ही नहीं हैगी। ये सानू कहिंदा ना भी पाकिस्तान तो फंड आउंदा गा, यार पाकिस्तान तो ही आउंदा फंड, ठीक है, आ लंगर चलाते दुबारे हुण साढ़े चंडीगढ़ के नाल इलाकों से 500 ट्रैक्टर चला है, हमारे बुलाडा से चला है ट्रैक्टर, कल को देख रहे हैं यहाँ पर कितनी ज़्यादा लोग आ जाएंगे। तो अभी जो बोलते थे संसद घेरेंगे, ये करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हमने देख लिया हमारे साथ क्या किया है। उस दिन जो बॉर्डर पर था, मैं आ गई था बिल्कुल, हमारे 5 आदमी पर सेंस से काम लिया, किसी से लाठी नहीं मारी, ठीक है। उस दिन क्या हुआ, हमारे डॉक्टर के पास, जो हमारे कैलिफोर्निया से आए हमारे पास हैं भादरगढ़ बस स्टैंड के पास, उन्होंने कैप्चर भी किया सभी कुछ, एम्बुलेंस सिटाई उनके पास, उन्होंने क्या किया, कुछ आदमी आए किसानों की वर्दी पहनी हुई थी, उन्होंने
पुलिस पर लठ चलाई, ठीक है, लठ चला के पुलिस गर्म हो गई। फिर बाद में आके वही आदमी सीआरपी की वर्दी पा के आए हैं, हमने देखा है, हमने फोटो भी खींची है, हमारे डॉक्टर साहब ने खींची है। तो वही आदमी फिर हम पे कब्जा कर लग गए, हमारे जो हमारे उधर आदमी कम थे, थोड़ा कम होने की वजह से हम मगर भाग आए, हमारे एक आदमी के लठ बाज गई पीछे और गिर पड़ा था, हम दूर जाके रुक गए। जब हमारे किसान इकट्ठा हुए, उन्होंने भी जो हमारे पर एक करया फिर वो किया गा, बाकी साडा लाल किले ते कोई झंडा चलाउण दा वो नहीं सीगा, साडा कोई मतलब नहीं, असी कले काले कानून बरद कराउणे आ। ये शरारती अंसर सीगा, दीप सिद्धू सीगा, ये जाके शाम नूं उत्थे बह गया सी। मैनूं ऐ दसो पहलां आपां भी जदों 26 जनवरी हुंदी है, तुसीं दिल्ली दे लोकल लोग हो, मैनूं पता नहीं, मैं पंजाब तो हाँ, ठीक है, उत्थे एंट्री नहीं हुंदी, रिंग रोड क्यों खाली सी, सारी रिंग रोड खाली सी, ते जिहड़े अपने लोग लोकल ने उस साइड ते होके कड्डे होए सीगे, बिल्कुल खाली थी। हमारे एक बजुर्ग से साथ वो बोले, उनके साथ तीन चार लड़की चढ़ गई ते चार लड़के चले, अंकल जी चलो आगे, चलो दिल्ली चलना है, हमें दिल्ली चलना है, वो 4 किलोमीटर उसको आगे ले गई, चार के ले गई, तो उधर के बाद जाके उन्होंने जान के ट्रैक्टर बंद कर दिया, खराब हो गया यार, खराब हो गया, अंकल जी नारे लाओ खालिस्तान के, खालिस्तान। वो कहने नहीं, कहते आप सिख नहीं हो, कहते हैं, पर हम किस परपज के लिए आए हैं, हमने वो पूरा करना है। जब कहना मेरा बच्चा है जेबीरू में पढ़ता है, ठीक है, 67 है, मैं छोटा किसान हूँ, मैं कहाँ से, जब ये आ गया कहाँ तो मुझको कहेगा, अभी मेरे घर से फ़ोन आ रहे हैं, माहौल ख़राब हो गया, मैं कुंडली पे भी मेरा कॉन्टैक्ट है, मेरे रिश्तेदार बैठे हैं उधर, कोई नहीं। कल असी गए सीगे दिल्ली बीच दी होके कुंडली उत्ते बार्डर ते, उत्ते पुलिस पता क्या कर रही थी, हमारे साथ 5-6 आदमी और रल के हम 3 थे, वो बोले हम चलेंगे चलेंगे चलेंगे, मैं नहीं जाने का मतलब नहीं है, मैं रिक्शा के आगे बैठा, देखा भी सिचुएशन क्या है। जब मैं उधर जाके देखा तो उधर वो पुलिस लठ मार रही थी, ठीक है, हमारा एक बुजुर्ग था टहाने से, वो 4 जने उसके साथ, उसको उन्होंने पकड़ लिए, उसको छोड़ दिया, तू जाओ आगे, कला आदमी क्यों जाएगा। वो बोला भी तुम हमको भी इसके अंदर ले लो, उसके पास 2000 रुपया था, 2000 रुपया पुलिस वाले ने निकाला है। फिर हमारे दो होर आदमी थे, उनको पीटा, बुरी तरह से मारा, आए थे बहा के पैरों पर मारा, ये मारा। जब मैं थोड़ा सा पीछे रिक्शा रुका लिया तो जब देखा लोकल लोग मदद कर रहे थे वहाँ से, वो बोले भाई साहब आप चलो किसानों को पीट रहे हैं। तो उधर क्या फैला दिया भी पंजाब से हमको फोन आ रहे हैं यार तुम वापस आ जाओ, मैं डैडी कोई गल नहीं गी, सब माहौल शांत है, आदमी आ रहे हैं और आदमी आएंगे, उधर भी शांत है माहौल। जिहड़ी पथराबाजी हुई है वो कुछ दी शरारती अंसर सीगे, जिन्हां दी मगरली पासे स्टेज थी, सानू पता नहीं सी, वह गदार बंदे सी साडे जथेबंदियां जो कट्टे हुए, उन्हां दी स्टेज थी, जो स्टेज तोड़ी उन्होंने उत्थों आके पत्थर सिट्टे, जिहड़ी अपनी पंजाब च न्यूज़ चल रही आ, पत्थर सिट्टे उन्होंने आके। फिर साडे जिहड़े इधरले पासे सही वड्डी स्टेज है, हाँ, उन्होंने आके फिर वो बंदे खदेड़ते ते भज गए, हुण कोई चक्कर वाली गल नहीं। उत्थे आप कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हुई, आपने आंखों से देखा, तो आप लोगों ने सबूत पुलिस को क्यों नहीं दिए? पुलिस बिकी हुई है, जब 26 जनवरी से 2-3 दिन पहले आदमी पकड़े थे जो हथियार सप्लाई कर रहे थे, उनको हमारी जथेबंदियों ने, सिंगूबड की बात कर रहा हूँ मैं, आदमियों को पकड़ लिया, पकड़ के उनको जब पूछा वो बोले भी हम आपको इधर असला चलाएंगे, जब रैली जाएगी उसके अंदर जाके हम पुलिस के फायरिंग करेंगे और पुलिस दोबारा आपके पर फायरिंग। लेकिन उस वो सिंगू बॉर्डर पर जो पकड़ा गया था लड़का, वो तो बाद में मुकर गया, उसने कहा मैंने तो किसानों के दबाव में ये बयान दिए थे। पुलिस ने क्या किया ना, अपने पुलिस को बुलाओ, पुलिस जो बिकी हुई है, उसने क्या किया, उन्होंने बुला दिया भी इनसे दारू पी कर हमसे बयान लिया गया। वो ये भी माने थे भी शहीन बाग में भी हम थे, शहीन बाग का भी वो माने हैं, शीन बाब में भी वही थे, पर कोई बात नहीं, सभी को प्लीज़ मैसेज दो, ज़्यादातर पंजाब को भी, कोई माहौल ख़राब नहीं, साढ़े नैट बंद चलते नहीं गए, ठीक है, असं भेज नहीं पा रहे, जिन्हें वीडियो साढ़े को है तो साढ़े आर्मी असं अनाउंसमेंट करा रहे हैं। बार बार लोगों की एक ही बात है, एक ही सवाल है कि जिस 26 जनवरी के दिन लाल किले पर एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इतनी ज़्यादा सुरक्षा होती है, वहाँ पर कुछ लोग पहुँच कर कैसे एक धर्म का झंडा फहरा सकते हैं? अब इन सवालों के जवाब तो वक्त के साथ मिलेंगे। इस वक्त हम टिकरी बॉर्डर पर हैं, कहाँ से हैं आप? मैं गुड़गांव से आई हूँ। तो आप लगातार यहाँ पर आती रहती हैं, यहीं पे शामिल है किसान आंदोलन? देखिए मैं शुरू में जब टिकरी में यहाँ मोर्चा लगा था, हाँ जी, मेरा नाम मृग्या है, मैं गुड़गांव से आई हूँ। डे वन जब टिकरी में मोर्चा लगा था उस दिन मैं आई थी, उसके बाद मैं सिंगू गई हूँ, मैं गाजीपुर गई, और मैं आपको बता दूँ यहाँ से पहले मैं सिंगू होके आई हूँ।
सिंघू में इस समय इतना बुरा माहौल है, आई कांट टेल यू दैट वे, मतलब आंदोलन तो शांतिपूर्वक हो रहा है पर जो जमाबंदी की गई है आप सोच नहीं सकते, हर आधा किलोमीटर में 500-500 पुलिस पर्सनल्स है। और मैं मीडिया लोगों के साथ गई थी और मैंने बोला मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ तो मुझे अलाउ नहीं किया गया। फिर मीडिया के वो जो लोग थे उन्होंने कहा कि हमारी बड़ी बहन की तरह ये हमें लेके आई हैं, क्योंकि मेरी रिक्वेस्ट पे वो लोग आए क्योंकि मैं जानना चाह रही थी जो पथराव हुआ है, यू नो, और आज क्या आज भी वहाँ पर पथराव हुआ है, क्योंकि हमारे नेट बंद है हमें नहीं पता क्या आज भी वहाँ पथराव। आज वहाँ बड़ा शांतिपूर्वक माहौल है, हम देख के आए गुरु नाम चल रहा है और वो लोग कह रहे हैं हम शांति से इसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। पर मैंने जैसे यहाँ मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ इसमें कुछ नहीं, मैंने यहाँ भी देखा कुछ लोग लाठी लेके खड़े हैं, लाठी लेके वही खड़े हैं अपनी सुरक्षा के लिए कि हमारे बंदे भी गलती से बाहर ना जाए। अब क्योंकि क्या है, मान लो अपोजिट पार्टी कोई आसपास के लोग आ गए पथराव शुरू कर दिया, चाहे वो किसी भी ग्रुप से हैं पर वो है तो अराजक तत्व और उन्होंने अगर इनको उकसाया तो कह रहे हैं हम अपने बंदों की भी अब सुरक्षा करेंगे। आपको क्या लगता है कि वहाँ पर वो लोकल लोग थे या कोई और लोग थे? क्या लोकल लोग जो हैं आसपास के जहाँ पर किसानों ने अपना पूरा ये जत्थेबंदियाँ जो किसानों की हैं, किसान डटे हुए हैं जहाँ जहाँ बॉर्डर्स पर, वहाँ पर आसपास के लोगों को क्या सच में दिक्कत हो भी रही है? देखिए मैडम, आपको सच बताती हूँ, मैं किसान की बेटी हूँ, हालांकि मेरा मैं मिशन ग्रीन दिल्ली के साथ जुड़ी हुई हूँ, पर्यावरण संरक्षण करती हूँ और अच्छे खाते पीते घर से, ठीक है, पर मेरे को रात को टीस मचती है जब मैं देखती हूँ कि देश का किसान किस हालत में है और ये टीवी पे क्या आ रहा है, 26 जनवरी से लाल किला प्रकरण क्या हुआ है, वो अराजकता तो अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए, वो ड्रोन कहाँ थे? आप लोग को मालूम होगा 3 महीने पहले से दिल्ली की निगरानी में राजपथ पे ड्रोन ऊपर चलते हैं, वो ड्रोन उस समय कहाँ चले गए थे मैं पूछना चाहती हूँ जब उपद्रव भी आ गया है। और ये बात जायज सी है, सिंघू बॉर्डर के सभी लोगों ने ये डिसाइड कर लिया था 10 बजे हम निकलेंगे, जब 7 बजे वो निकले मैं पूछना चाहती हूँ वो पुलिस फोर्स, आज मैं सिंघू गई हूँ मैं आपको बता रही हूँ ईमानदारी से, आधे आधे किलोमीटर में परिंदा पैर नहीं मार सकता वहाँ, कितनी मुसीबत से हाथ जोड़ जोड़ के तो मैं बता रही हूँ बड़ी मुश्किल से टीवी वालों को जाने दिया गया, ठीक है, ये जन टीवी जो था वो चला गया, ठीक है, छोटे यूट्यूब चैनल नहीं जा पा रहे आज, ये सच्चाई है। जब आप इतना इंतजाम कर सकते हैं दिल्ली में क्या नहीं है, होम मिनिस्ट्री है, ठीक है, दिल्ली की अपनी सरकार है, ठीक है, NIA का एजेंडा है, दिल्ली में क्या नहीं है मैं पूछती हूँ, राजधानी में 2 बार दंगे कैसे हुए हजूर 2 साल के अंदर, ये क्या चमत्कार है, ये क्या चमत्कार है, आपकी इतनी पावर है, इतनी पावर है, आज वह परिंदा पैर नहीं मार पा रहा, ड्रोन से आप देख रहे हो, 7 बजे उन्होंने तोड़ा था, 8 बजे वो बिल्कुल सब चैनल्स पे थे, अंधे को नजर आ रहा था कि अराजक तत्व है, क्योंकि किसान नेता तो बात कर रहे थे, ठीक है, तो सरकार नहीं देख रही थी, तब इनकी व्यवस्था कहाँ थी मैं पूछना चाहती हूँ, ये मेरा सवाल है सरकार से। और आज और कल जो हुआ, जो हमने देखा, पथराव हो रहा है, ठीक है, कुछ लोग आए हैं वो पथराव कर रहे हैं, तो जब पत्थर सिर पे पड़ेगा किसी के तो क्या आदमी राम नाम लेगा? जब पत्थर पड़ेगा तो या तो लाठी मारेगा किसी को या मुक्का मारेगा। और मैं ये भी बता दूं आपको, ऐसी क्या जब आज वहां कम से कम 5,000 पुलिस पर्सनल है आज वहां पे, ठीक है, तो कल जब ये हादसा हुआ 26 जनवरी के बाद से ही, तब तो सुरक्षा हर जगह है ना, अब तो सरकार खुले में कह रही जी हमने बहुत बहुत व्यवस्था कर रखी है, जब इतनी व्यवस्था कर रखी है तो कल ये उपद्रव कैसे हुआ, ये मैं जानना चाहती हूँ, मैं ये पूछना चाहती हूँ पुलिस वाले जिनको चोट लगी वो कौन उन्हें बलि पे चढ़ा रहा है, कौन, ये मैं जानना चाहती हूँ, खुदा का शुक्र है परमात्मा की कृपा है कि सब लोग सलामत है, पर जो उन्होंने झेला उस साइड में किसान का बेटा, इस साइड में किसान का बेटा और बीच में सल्तनत, ये मैं कहना चाहूंगी, मेरे हाथ जोड़ के सरकार से विनती है, सरकार सत्ता पे काबिज रहिए, पर जिन्होंने आपको सत्ता दी है उनके खून पे मत बैठिए। जय हिंद, जय भारत। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये दिखाइए थोड़ा सा ना, यहाँ पर ये देखिए किताबें रखी हुई हैं, पूरा एक लगाया हुआ है लंगर, बैनर्स लगे हुए हैं, ये बैनर एक बार ज़रूर दिखाइए, पंजाबी वाले मुझे इतने ज़्यादा समझ नहीं आते क्योंकि मैं पंजाबी नहीं पढ़ पाती, हिंदी वाले आप दिखाइए, हम लड़ेंगे जब तक दुनिया में लड़ने की ज़रूरत है, हम लड़ेंगे साथी की, लड़े बगैर कुछ नहीं मिलता, आप ये पूरा देख सकते हैं,
भगत सिंह, अशफाक उल्ला, चंद्रशेखर आज़ाद और इन सब की जो है उद्धम सिंह, इनका भी एक पूरा बैनर यहाँ पर लगा हुआ है। नमस्कार जी। नमस्कार, वो अंदर बना रहे हैं जो आप क्या इसी किसान आंदोलन में शामिल हैं? मैं तो उस दिन से शामिल है जब से ये लोग आए हैं। यानी दो महीने से आप भी यहाँ पर हैं? हाँ बिल्कुल, हम लोग भी यहीं पे। कहाँ से हैं आप? मैं यहीं लोकल हूँ, भादरगढ़ से हूँ मैं तो। सिंगू बॉर्डर पर कल पथराव की घटना हुई, लोकल आए, उन्होंने कहा कि हमें किसानों से प्रॉब्लम है, ये पाकिस्तानी है, ये आतंकवादी है, ये खालिस्तानी है, इन्हें बाहर निकालो। आप कह रहे हैं कि आप यहाँ की लोकल हैं, आप किसानों के साथ यहाँ बैठी हुई हैं, क्या यहाँ के जो लोकल व्यक्ति हैं आसपास के रहने वाले, उनको भी इन किसानों से दिक्कत है? नहीं बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, वो बल्कि सपोर्ट पूरी तरह कर रहे हैं, इनके साथ हैं, वो खुद दुखी हैं, ऐसी बात नहीं कि देखो प्रॉब्लम अगर किसानों को मुश्किल है तो लोकल लोगों को भी इनकी वजह से, लेकिन पर दुख वो दुख भूल के अगर उनको खुशी मिलेगी तो वो ज़्यादा अच्छी नहीं बात होगी, दुख भी दुख के साथ खुश भी होना, लेकिन खुश होंगे वो। आपके साथ क्या कोई और भी आपके गली मोहल्ले से कोई और भी आपके साथ आता है इनका साथ देने के लिए? नहीं एक्चुअली हम लोग यहाँ एक छोटी सी सेवा के लिए आते हैं इनके साथ, हम यहाँ काढ़ा लगाते हैं, काढ़े की सेवा करते हैं, जॉब मैंने अभी ख़त्म करी है तो ये लोगों के लिए हम उस दिन से ही लगा रहे हैं, इनकी सेहत को देखते हुए, खांसी के लिए, बुखार के लिए, हम वो थोड़ा सा एक नेचुरल फेथ के तौर पर यहाँ लगाते हैं, हम काढ़ा लगाते हैं। तो ये आप किसी के कहने से कर रही हैं, कोई आपकी ऑर्गेनाइजेशन है या सिर्फ आपका मन था इसलिए आप अपने बलबूते कर रहे हैं? नहीं हम लोग अपने बलबूते पे कर रहे हैं, हम किसी के साथ कोई नहीं है, हम अपने बलबूते से इनकी सेवा में लगे हुए हैं। थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि आप अंदर दिखाइए, ये अंदर बनाए जा रहे हैं जो बैनर है, ये देखिए थोड़ा सा हम बस थोड़ा सा आगे की तरफ आएंगे, ये देखिए ये सब धर्मेंद्र है। हाँ जी, ये मेन तो ये जितने भी पोस्टर लगे हुए हैं ये सब यही बनाता है, तो अब भी यही काम करता है, ये सेवा कर रहा है, साथ में ये दीदी लगे हुए हैं ये भी, क्योंकि ये सामने रहते हैं तो ये इन एक ही गांव के हैं ये लोग हैं तो ये सेवा कर रहे हैं। धर्मेंद्र जी आपसे बातचीत करना चाहेंगे, शूज निकालते हैं, रुकिए हम शूज निकाल के थोड़ा सा, धर्मेंद्र जी कहाँ से हैं? मैं कोटकपुरा डिस्ट्रिक्ट फरीदकोट। तो कब से है यहाँ किसान आंदोलन? 26 नवंबर से। तो आप ये जो आप बैनर बना रहे हैं, जितने भी पोस्टर बना रहे हैं, क्या लगता है आपको कुछ बेनिफिट मिलते हैं इन पोस्टर को बनाने से? बहुत बेनिफिट है, पॉजिटिविटी बहुत स्प्रेड होती है इससे, हम लोगों को बहुत जो हमारी बातें होती हैं हम नहीं कह सकते, हम अपने पोस्टर के जरिए वो कह देते हैं इनसे, ये है ना, क्योंकि हर एक को ये लगता था कि बहुत लोग कहते थे कि किसान होना चाहिए, उसके पटे फराने कपड़े पहने होने, ऐसे होगा ऐसे होगा, उनको ये मैसेज भी जाता है कि जो किसान होते हैं वो इंटेलेक्चुअल भी होते हैं, उनको वो उनकी वो पढ़े लिखे भी हैं, उनको वो सूझबान भी है। मैम आप कहाँ से हैं? मैं दीप सिंह वाला फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट से। बैठ जाते हैं जी, थोड़ा सा झुके झुके मेरी भी थोड़ी सी कमर में दर्द हो गया, हम बैठ के बात करेंगे। हाँ जी कहाँ से? मैं दीप सिंह वाला फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट से। मैम आप कब से हैं? मैं हम घर से तो 25 नवंबर से, जहाँ 27 नवंबर से आए हैं। तो आप भी इनके साथ पोस्टर बनाने का ही काम संभाले होंगे? हाँ जी मैम। हाँ जी, तो एक दिन में कितने पोस्टर बना लेते हैं आप लोग? ये तो मैम जैसे ये बाहर लगाने पड़ते हैं, जब कोई कहता है हमारे पोस्टर बना दो उस हिसाब से बना लेते हैं। अच्छा, तो डेली पोस्टर्स बनते हैं यहाँ पे? मैम डेली बनते हैं, और भैया ज़्यादा करते हैं, मैं तो एक दिन आज ही आई हूँ ज़्यादातर। अच्छा, इसके अलावा आप क्या सेवा करते हैं किसान आंदोलन में? मैम जैसे किसान आंदोलन में खाने बनाने से स्टेज में वॉलंटियर की होती है, और लेडीज़ का एक अलग हमने बनाया वहाँ पे, अगर किसी भी लेडीज़ ने आना तो वहाँ रहना, वहाँ उनके खाने का पीने का सोने का सभी इंतजाम करते हैं। हमसे बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि धर्मेंद्र जी और ये लोग पोस्टर इसलिए बना रहे हैं ताकि पॉजिटिविटी फैले, पॉजिटिविटी स्प्रेड करने के लिए। हमारे साथ सुरेंद्र जी हैं गांव बामला से। सुरेंद्र जी कब से हैं आप यहाँ पे? हम जी 66 दिन हो गए जी यहाँ पे। अब माहौल कैसा है, क्या रुख ले रहा है आंदोलन, क्योंकि 26 जनवरी की देखे जो घटना हुई थी
पूरे देश के लिए बेहद शर्मनाक घटना थी, शर्म से सिर झुकाने वाली घटना थी। उसका असर क्या कुछ आंदोलन पे पड़ा है? असर थोड़ा बहुत आंदोलन पे पड़ा था। फिर एक दिन, फिर जिस दिन टकेत साहब ने ये, उस दिन थोड़ा इमोशनल हो गए। उसके बाद फिर आंदोलन फिर एक बार बहुत बड़ा रूप ले चुका है। अब से दुगुना मतलब पब्लिक आ रही है गाजीपुर बॉर्डर पे, तो पूछो मत। और यहाँ भी मतलब पब्लिक दिन में आती है, जाती है, रुकते भी हैं। मतलब उससे ज़्यादा मतलब अब लोग बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं इसमें। अब एक किसान किसान का नहीं, मजदूर का भी, व्यापारी का भी, सबके लिए एक वो हो गया, छत्तीस बिरादरी का। सुरेंद्र जी, इतने लोग आ रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए कि फिर से दिल्ली जैसी घटना ना हो, उसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है? बीजेपी के ही आदमी थे, उन्होंने ये घटना घटी। दो तीन आदमी थे, उन्होंने ये सब कुछ करवाया। ऐसी घटना, आपने सवाल नहीं समझा, मैं जानना चाह रही हूँ कि 26 जनवरी जैसी घटना फिर से दोबारा ना हो, उसको रोकने के लिए जो किसानों के जत्थे हैं वो क्या क्या कदम उठा रहे हैं? देखो, जो अगर ये 26 जनवरी को जो घटना हुई थी, वो किसान नहीं थे जिसने ये जो भी किया है। और जो किसान थे वो तो परेड तो अपने अनुशासन से निकाल रहे थे। अब जो भी मतलब कोई ऐसी कोई मतलब ये ऐसा कोई अनुशासन में नहीं रहेगा और ये गलत कदम उठाएगा, तो उन्होंने सोच लो किसान नहीं है, वो इस आंदोलन को खराब करने में लगा हुआ है। और ये बाकी देखो कितना उस ऐसे लोगों के साथ, फिर जो किसान है यहाँ पर बैठे हैं पिछले इतने दिनों से, 2 महीने से ऊपर का टाइम हो गया, तो वो क्या कदम उठाएंगे, वो क्या एक्शन लेंगे? उनके कदम ऐसे उठाएंगे जिस शरारती तत्व हैं, जान पहचान कोई पूछ के वैसे कुछ लग रहा है कि हमारे को ये आदमी गलत है, ऐसा शक के आधार पे उसको पकड़ेंगे और पुलिस को सौंपेंगे। ठीक है, हम अपना मतलब किसानों का मतलब रुतबा कम नहीं होने देंगे। सुरेंद्र जी का कहना है कि किसानों का रुतबा जो है वो हम कम नहीं होने देंगे, और अगर से फिर कोई शरारती तत्व आंदोलन को खराब करने की कोशिश करेगा इनके साथ में, अगर पता नहीं चलता है, अब ये चौकसी पूरी रख रहे हैं, बहुत सारे लोगों से हमारी बातें हुई हैं इस बारे में, तो उनका कहना है कि अब हम पूरी चौकसी रख रहे हैं, पूरा नजर रख रहे हैं कि कोई फिर से इस किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश ना करे। किसान एकता, किसान एकता, जिंदाबाद, पंजाब भाईचारा, जिंदाबाद, इंकलाब, जिंदाबाद, इंकलाब, जिंदाबाद।